अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम फिर दोबारा से हाजिर हैं, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो मुबारक को पाकिस्तान जो है फिर से जो है हार चुकी है अपना तीसरा मैच भी, और ये वाला मैच तो मुझे शुरू से ही लग रहा था कि हम हारेंगे। पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक हम अभी इसमें बाबर आजम की बात करेंगे, बाबर आजम की तो हर वीडियो में हम बात करते ही हैं, और इसमें भी करेंगे बॉलर्स की भी बात करेंगे, क्या सीन है बॉलर्स ने क्या करा है, शान शाह आफरीदी उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी वीडियो को जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब जिसने नहीं करा वो भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को जो है लाजमी दबा दें। तो फिलहाल अब बात करते हैं हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के थर्ड T20 के बारे में। तो हम टॉस जीत के तीनों मैच हम टॉस जीते, बट हम मैच एक भी नहीं जीते। तो कुछ लोगों की स्ट्रीक होती है, स्नैप वगैरह जो बनाते हैं स्नैप की स्ट्रीक होती है, लेकिन इन लोग की स्ट्रीक जो है हारने की हो गई है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से लेकर आज न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी अभी तक जो है हम हार ही रहे हैं। हम अभी टेस्ट मैच हारे, अपना T20 जो है सीरीज़ वो भी हम जो है हार ही चुके हैं। दो मैचेस रहेगा, दो मैचेस में जो है आप जिनको नहीं खिलाया उनको चांस देना पड़ेगा। अब उनको भी चेक करें कि भाई वो लोग हैं टीम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जिनको नहीं रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी जो है हम बात करते हैं अपना बॉलिंग की। तो बॉलिंग में हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह, और सुनने में ऐसा कुछ आ रहा है कि वो शायद रिटायरमेंट भी ले लें, ऐसा कुछ रिपोर्टें चल रही हैं, पता नहीं ये कन्फर्म है या नहीं है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि क्या सीन है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो फिलहाल हमारी बॉलिंग जो रही है बताता हूँ मैं, देख के बहुत ही मतलब बुरी हालत हुई है। शाहिन शाह आफरीदी भाई साहब पहले ओवर में आते हैं, पहले ओवर में ही सही पिट जाते हैं वो ना, तकरीबन चार ओवर उन्होंने करवाए हैं, 43 रन जो हैं उन्होंने दिए, और एक विकेट जो सैम अयूब ने ख़तरनाक कैच पकड़े, नो डाउट फील्डर बहुत अच्छे, टेस्ट मैच में तो उससे आसान कैच छूट गया था बट होता है कोई बात नहीं। जमान खान चार ओवर में उन्होंने 37 रन दिए, भाई देखो पहला ओवर जो है अच्छा करवाया इन्होंने जमान खान ने, और फिर जमान खान ने बोला अरे मैं तो पाकिस्तान की टीम में हूँ मुझे पिटना है, तो कैप्टन पिट रहे तो हम भी पिटते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको ऐसा याद आया, मोहम्मद नवाज़ को भी ऐसे याद आया पहला ओवर अच्छा करवाया, मोहम्मद वसीम जूनियर ने तो उन्होंने भी पहला ओवर अच्छा करवाया, दूसरा ओवर में पिटे, बट फिर आखिरी के दो ओवर उन्होंने जो है कम बैक कर लिया। उन्होंने सबसे कम रन दिए पूरी टीम में, चार ओवर में सिर्फ 35 रन दिए और एक विकेट भी लिए हैं। मोहम्मद नवाज़ चार ओवर में 44 रन दिया, पिटे ज़रूर बट बॉलिंग उन्होंने भी अच्छी करवाई है, उन लोगों से तो काफ़ी अच्छी करवा ली। हारिस रऊफ चार ओवर में 60 रन, भाई ये हारिस रऊफ बोलेंगे भाई हम तो ऐसे ही खेलेंगे, अच्छा आप रिटायरमेंट ही ले लो ज़्यादा अच्छा है। बट यार लेकिन जो प्लेयर ऐसे होते हैं यार मतलब परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं बट बाद में जाके वो कमबैक नहीं कर पाते तो दुख होता है, बट खैर अब अल्लाह करके आगे जाके जो परफॉर्मेंस जो है इन लोग की अच्छी हो जाए। लेकिन ये टीम जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, अगर यही प्रॉपर टीम गई ना हम कभी नहीं जीत सकते। तो जमान खान को मैं बता चुका हूँ, चार ओवर में 37 रन और एक विकेट, इन्होंने भी बहुत अच्छा ओवर करवाया। शाहिन आफरीदी चार ओवर में 43 रन माशाल्लाह से पिट चुके हैं, हमारे कैप्टन साहब भी जो है माशाल्लाह से इतना पिट रहे तो फिर बाकी प्लेयर्स क्या ही कर सकते हैं। हमारे जो कैप्टन हैं वो आपने जो है गलत कैप्टन, पहले बात तो ये है आप लोग को खुद पता चल रहा होगा, गलत कैप्टनसी जो है हमने शाहिन आफरीदी को दे दी है। हाँ मोहम्मद रिजवान को आप दे सकते थे लेकिन वो वाइफ्स कैप्टन हैं तो वो ज़्यादा कुछ टीम में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शाहिन शाह आफरीदी कैप्टन बना दिया गया है उनको। अब आपको समझ आ रहा है कि बाबर आजम के साथ क्या होता था, क्या सीन थे, ये बाबर आजम को हटाने की जो है साजिश करी है इन लोगों ने। तो खैर आपको अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या हो रहा है, कम अज़ कम सीरीज से जीतते तो थे, अब तो सीरीज़ भी नहीं जीत रहे हुए छीन जा रही थी। तो फिलहाल बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की। अब हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान तकरीबन पाकिस्तान ने पहले तो न्यूजीलैंड की बात करें, ओए ओए एलन भाई तो पागल हुआ हुआ, एलन अल्लाह की कसम भाई तो एलन नहीं एलियन है, जो इसने छक्के मारे हैं ना 16 छक्के भाई, रिकॉर्ड बना दिया लड़के ने 16 छक्के T20 में, और ऊपर से सबसे ज़्यादा रन भी T20 में बनाने वाले यही बन चुके हैं। तकरीबन उन्होंने 62 बॉलों में 137 रन, ओ भाई खतरनाक खतरनाक कर दिया इन्होंने तो भाई, ऐसे ऐसे छक्के मारे साले 100 100 100 मीटर के भाई बंदे ने छक्के मार दिए।
100 मीटर के, 3 छक्के तो 100 मीटर के, बाकी कुछ जो है इन्होंने 98 के मारे, 97 के, 87, 77 ऐसे भी मारे इन्होंने। बट जो भी एलन ने जो है मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स को दुम्बा बना दिया, बाकी उनके प्लेयर्स में किसी ने कुछ नहीं करा सिवाय इसके अलावा। अगर हाँ हम इसको जल्दी आउट कर देते, बट लेकिन एलन ने बोला हम तो रुकने वाले हैं नहीं, हम तो मारेंगे हर किसी को, हर किसी को मारते हैं भाई, ये जो भी बेस्ट बॉलर आ भी जाए हमारी टीम में। तो अभी तो फिलहाल कोई बेस्ट बॉलर नहीं है, हमने शाहिनशाह अफरीदी को बनाया हुआ, हमारे जो ईगल साहब है उनकी परफॉर्मेंस जो है नहीं है। वर्ल्ड कप में अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम USA से भी हार जाएंगे, ऐसा नहीं खेलना है। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं बैटिंग की, पाकिस्तान की। तो बैटिंग में हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं, एज यूजुअल मोहम्मद रिजवान साहब वाइस कैप्टन नंबर वन पे हमें खेलना है, ओपनर से हमें नहीं हटाओ भाई, हम नहीं खेल सकते ये वो बनाना, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, 20 बॉल पे 24 रन जो है उन्होंने। हाँ सैम अय्यूब पहले मैच में जो उन्होंने करा करा, बाकी दो मैचेस में उन्होंने कुछ नहीं करा, बट आगे जाके क्या पता परफॉर्मेंस दिखाते, क्योंकि शुरू शुरू में होता है। हम अभी आजम खान की बात करेंगे। ओहो बाबर आजम साहब, मज़ा आ गया, बाबर आजम की 350 हमने देखने को जो है मिल चुकी है इस सीरीज़ में, क्या कमबैक मारा है लड़के ने। हाँ वो अलग बात है, जितवा नहीं पा रहे, क्यों नहीं जितवा पा रहे वो आप लोग को पता ही है, क्योंकि मैच फिनिशर हमारे पास था नहीं, आज इन्होंने जो है मैच फिनिशर भी खिलाया है, यानी बाबर आजम का मैच फिनिशर कौन है आप लोग को पता ही है, मोहम्मद नवाज का। और आपने देखा कि किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी बैटिंग में, आते के साथ जो इन्होंने लाठी चार्ज करी है ना मोहम्मद नवाज ने शुरू में। हाँ मैं मानता हूँ शुरू में जो, अगर ये देखो ये रन जो है उस ग्राउंड में बनने वाले थे, ग्राउंड छोटा था यार, अगर ये लोग शुरू से तेज़ खेलते ना तो हम जीत जाते, बट शुरू में ही हमने स्टार्ट इतना हल्का लिया, तकरीबन 6 ओवर में हमारे कितने थे 57 ऐसे कुछ रन, ज़्यादा रन थे नहीं, तो जिसकी वजह से हम फिर आगे जाके हमारे लिए मुश्किल आ गई। फ़खर जमान आए, फ़खर जमान भी ने भी जो है एक आध छक्का लगाया, उसके बाद जो है वो भी आउट हो गए, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ करा नहीं, 10 बॉल पर 19 रन बनाए। बाबर आजम फिर से 58 रन बनाए उन्होंने, 37 बॉल पर 156 का स्ट्राइक रेट, इन 3 मैचेस में उन्होंने देखें क्या क्या स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला है। ओहो मज़ा आ गया भाई, मतलब जो इनका नेचुरल गेम है वो तो खेल ही नहीं रही है अपना, उन्होंने हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, उन्होंने अपना टोटली जो है गेम बदल दिया है और ये अच्छा है। फिर भी लोग बाबर आजम को जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इनकी वजह से हम मारे हैं, तो फिलहाल उन लोगों को क्या ही कह सकते हैं, उनको हम सिर्फ समझा सकते हैं। बाकी जो क्या नाम है बाबर आजम के जो है पक्के हिटर्स हैं उनको तो कोई समझा नहीं सकता, उनको जो है वो बोलने दो, और कुछ लोग तो व्यूज़ कमाने के लिए भी बोलते हैं। तो फिलहाल छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं। आजम खान माशाल्लाह, ओहो भाई पावर हिटर है हमारे, पावर हिटर, इनको तो टीम में डालना चाहिए। हाँ जब ये लोग जो है PSL वगैरह में जब ये लोग खेलते हैं, यानी लीग वगैरह खेलते हैं, तो ये लोग हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, तो ये पता नहीं क्या होते हैं जब ये लोग इंटरनेशनल में आते हैं। आजम खान माशाल्लाह से भाई, इन्होंने तकरीबन यार 10 इनिंग में सिर्फ 30 रन बनाए, ये कोई पावर हिटर ना हमारा, इससे ज़्यादा तो क्या नाम है किसने बना लिया, हमारे बॉलर ने ही बना लिया, शैम्पू बॉय ने बना लिया, हमारे मोहम्मद वसीम जूनियर ने। तो मोहम्मद नवाज ने जो है 15 बॉलों पर 28 रन मारे, आप खुद ही सोचें अगर पिछले मैच में या दोनों मैचेस में मोहम्मद नवाज को आप उठाते तो वो रन सुकून से बन सकते थे, अगर मोहम्मद नवाज होते या मोहम्मद वसीम जूनियर भी होते ना तब भी बन जाते, क्योंकि वो भी जो है अच्छा खेल रहे थे, जो हमारे मिडल ऑर्डर है वही नहीं चल रहा, तो फिर हमें मिडल ऑर्डर शुरू से हमारा प्रॉब्लम है, तो हाँ वही हो सकता है। इस बार तो हमारा ओपनर भी नहीं चल रहा, सिर्फ बाबर आजम ही जो है पूरी सीरीज़ में दिख रहे हैं और कोई भी नहीं। फ़खर जमान ने 150 मारी, टोटल 450 पाकिस्तान की तरफ से मारे, जिनमें से 350 तो हमारे कैप्टन साहब, यानी जो हमारे कैप्टन हैं पाकिस्तान के कैप्टन, तो शाहिन अफरीदी हैं यानी बाबर आजम, उन्होंने ही 350, बाकी 150 जो है हमारे फौजी बॉय ने मारी है। फौजी को हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो फौजी जो है हमें इतने सारे मैचेस जितवा चुका है और आउटस्टैंडिंग मैचेस जो है जितवा चुका है, आप वर्ल्ड कप में जाके देख लीजिएगा, जिन्होंने इनिंग नहीं देखी, वैसे तो इनिंग देख ही ली होगी, क्या मारा तो वो बाबर आजम और फ़खर जमान ने, लेकिन वो मैच भी हम हार जाते, ये तो है। अब आप लोग कहने के जीत जाते नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल हम इफ्तिकार चाचू की बात कर रहे थे, इफ्तिकार चाचू ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान के लिए काफ़ी इन 2 सालों में, तो इफ्तिकार को हम कुछ नहीं कह सकते। अभी इफ्तिकार चाचू जो है वो चल नहीं पा रहे, खैर कोई बात नहीं,
परफॉर्मेंस हल्ला करके आगे आने वाले मैचेस में हो जाए, वरना ये भी जो है टीम से जा सकते हैं, बट इनको रखना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए ना। आजम खान को ऑफर निकाल दो, खैर है वो कल के मैच में जो है खिलाना चाहिए हमें। हाँ शाहिन शाह ने भाई मारा है, 145 के स्ट्राइक रेट से खेला है उन्होंने। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, तो हमें किस किस को जो है खिलाना चाहिए, क्या सीन है। फिलहाल तो हम अभी बात करते हैं उसकी, क्या नाम है, जुम्मे को मैच है। तो सीन ऐसा है कि आपको जो है साहब तो फरहान को खिलाना चाहिए और हसीबुल्ला को जो है खिलाना चाहिए, बाकी ये दो चेंजेस तो लाजमी होना चाहिए। और T20 वर्ल्ड कप की हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में हमें शादाब खान को वापस लेकर आना पड़ेगा, मोहम्मद नवाज़ सही है टीम के अंदर ही रहना चाहिए, इफ्तिखार अहमद भी जो है रहना चाहिए, आसिफुल्ला वगैरह इनको भी रहना चाहिए, सैम अयूब को भी जो है रहना चाहिए। और अगर हम यही टीम लेके जाएं, अगर आप जो है क्या नाम है यही मतलब जो अभी हमारी T20 की जो सीरीज़ चल रही है न्यूजीलैंड के साथ, अगर ये टीम खिलाएंगे तो हम पक्का हार जाएंगे। फिलहाल अभी इंग्लैंड से भी जो है इसके बाद सीरीज़ है, वो कब है वो मैं आपको बता दूंगा या आप तो आपको खुद पैसे पता चल जाएगा। तो फिलहाल उस पर देखते हैं क्या स्क्वाड जो ये लोग जो है अनाउंस करते हैं, तो कुछ बेहतर करते तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी इंग्लैंड में है। बाकी अब देखते हैं हम इंग्लैंड में जाके जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी हो चुकी है और ज़्यादा जो है देर नहीं लगाते हम वीडियो में, ज़्यादा भाई देखें सिंपल सी बात यह है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है ना बहुत डाउन चल रही है, और अल्लाह करके आगे जाके जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, वर्ल्ड कप तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अब मैं शाहिन शाह आफरीदी की बात करूँ तो शाहिन शाह आफरीदी भाई आपने किस सूरत में मतलब कैप्टनसी ली, चलो वो अब शाहिन शाह आफरीदी की गलती नहीं है, चलो खैर है, अब आपने क्यों दिए PSL के बेस पे दिए, PSL में आप बैक टू बैक ट्रॉफी जितवा दी तो आपने उसको जो है क्या नाम है कैप्टनसी दे दी यार, ऐसा थोड़ा ना होता यार। तो फिलहाल कैप्टनसी के पीछे कुछ लोगों का भी हाथ है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा, वैसे तो कुछ समझदार हैं उनको समझ तो आ ही गई होगी कि कैसे बने हैं क्या सीन है। तो शाहिन शाह आफरीदी देखो ये इंटरनेशनल है सही है, और जो PCB वगैरह है बोर्ड है ये मजाक नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये क्या नाम है डोमेस्टिक वगैरह कोई नहीं चल रही है। जो आपने किसी को भी जो है कैप्टन बना के रख दिया है, जो इनकी अभी परफॉर्मेंस भी नहीं है, PSL में दो ट्रॉफी बैक टू बैक क्या जीत गया आपने जो है उसको कैप्टन बना दिया, वो सैफी भाई थोड़ा है यार, सैफी भाई जैसी कोई कैप्टनसी ही मैं मानता हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता। अब बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है, हम तो बस वीडियो बना ही सकते हैं और क्या, हमारे कहने से कुछ हो नहीं सकता। तो फिलहाल बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।